टॉपिक है, टॉपिक मैंने इसलिए आज रखे हैं कि आज इनको भी जो है वो कंप्लीट कर लें। कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर आपका कौन सी जबान समझता है, कैसे समझता है और क्यों समझता है, ठीक है ना? तो कंप्यूटर कौन सी जबान समझता है? ऑल डेटा इन ए कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बाइनरी इंफॉर्मेशन। बाइनरी मीन्स देयर आर ओनली टू पॉसिबल वैल्यूज, 0 एंड 1। कंप्यूटर किसको समझता है? 0 एंड 1 को समझता है। अब एक बात थोड़ी सी सोचने की है, यार हम तो उसमें पता नहीं क्या क्या टाइप कर रहे होते हैं, हम कौन से फंक्शन यूज कर रहे हैं, वो समझता सिर्फ 0 और 1 को है, तो हमें वो कैसे इतने सारे काम करके दे देता है, ठीक है? तो वो करता क्या है? बाइनरी लैंग्वेज डिपेंड ऑन एस्की कोड्स। कौन से कोड्स हैं ये? ASCII। इसको कहते हैं एस्की कोड्स। एस्की इज द एब्रीविएशन ऑफ अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है? बेसिकली हुआ यूं कि जो साइंसदान थे, जो कंप्यूटर बनाने वाले थे, उन्होंने कहा जी कंप्यूटर लैंग्वेज तो 0 और 1 है, अब हम अपनी जो ह्यूमन लेवल लैंग्वेज है उनके अदाद को, उनके लेटर्स को, उनके नंबर्स को एक ऐसा कोड असाइन करें जिससे वो कंप्यूटर उनको समझ सके कि जी ये इन्होंने अगर ए लिखा है तो ए का कोड क्या है, बी लिखा है तो बी का कोड क्या है, सी लिखा है या इसने 1 लिखा है। इवन कि आप जब 1 लिखते हैं तो ये 1 तो उसका कोड है बाइनरी का ना, 1 का अलग एस्की कोड होता है, उसके पास कंप्यूटर के पास एस्की कोड जाता है, फिर वो उसको कन्वर्ट करता है बाइनरी के ऊपर, ठीक है? बाइनरी आल्सो कॉल्ड बिट, क्या कहलाता है? बिट। ये 1 0 1 बिट कहलाता है। क्या कहलाता है? 1 0 1 0 और 1 1 इज इक्वल टू 1 बिट। 1 0 या ये 1 1 बिट कहलाता है। बिट बेसिकली है क्या? हर चीज़ को आपने देखा है कि नापने के लिए एक स्केल होता है, मेजरमेंट नापने के लिए अलग से स्केल होते हैं, वजन नापने के लिए अलग से स्केल होते हैं, तो उसका जो सबसे पहला यूनिट जिसे हम कहते हैं, उस यूनिट से आप समझते हैं कि हमने, अब मिसाल के तौर पर आप कोई वजन तोल रहे हैं, वजन नापने का, वेट को जो है वो मेजरमेंट करने का क्या यूनिट है? कैसे पता चलता है हमें वजन का? ग्राम से, नहीं सिर्फ ग्राम, हाँ लेकिन ग्राम से ही फिर किलोग्राम बनता है ना, छोटे से बड़ा बनता है ना। नहीं वो तो है, हम जो है वो एक यूनिट की बात कर रहे हैं जो इस वक्त समझा जाए जिसको ना। अब अगर आप उसके बिल्कुल डीप में जाएंगे तो वो तो पता नहीं कहाँ जाके पहुंचेंगे ना, साइंसदान तो हम हैं ही नहीं इतने। तो वजन का कैसे पता चलता है? मिसाल के तौर पर आप चीनी लेने जाते हैं, यार मुझे 1 किलो चीनी दे दो, वो कितने देगा? किलोग्राम होते हैं ना, वो कितने ग्राम का 1 किलो होता है? 1000 ग्राम का। अगर बोलते हैं यार आधा पाव चीनी दे दो तो कितने ग्राम होंगे? 250 ग्राम तो पाव होता है, 120 ग्राम होता है। तो ये नॉलेज भी आप लोग रखें कि उसकी जो यूनिट है वो ग्राम है। इस तरीके से बिजली का यूनिट भाई बताएंगे, बिजली किस चीज़ से नापते हैं, बिजली की जो रफ्तार है या उसको हम किस चीज़ से मेजरमेंट करते हैं? हाँ, हार्ट्स या किलो वाट आर्ट्स। इस तरीके से हमारे कंप्यूटर के अंदर डेटा को जो स्टोरेज होती है या उसकी जो स्पीड होती है उसको मेजरमेंट करने के लिए हम एक चीज़ यूज़ करते हैं, बिट। क्या यूज़ करते हैं? बिट। अब मिसाल के तौर पर पहले तो बिट समझाना बड़ा मुश्किल होता था, आजकल तो आप लोगों को पता है कि यार ये कितने बिट की फाइल है, कितने बाइट्स की है या कितने MB की फाइल्स है। अब आगे ये टॉपिक आ रहा है कि बिट कैसे 1 बाइट बनता है और बाइट कैसे 1 किलोबाइट बनता है, किलोबाइट कैसे 1 मेगाबाइट बनता है, ये भी मैं आपको समझा रहा हूँ। फिलहाल समझिए कि कंप्यूटर क्या समझता है, 0 एंड 1, जो कि आपका क्या है? बाइनरी लैंग्वेज है। कौन सी लैंग्वेज है? बाइनरी लैंग्वेज है, ठीक है? कंप्यूटर सिस्टम तमाम डेटा बाइनरी मालूमात पर मुश्तमिल होता है।
बाइनरी का मतलब होता है कि सिर्फ दो मुमकिन इकदार, जीरो और एक, ठीक है जी। बाकी ASCII जो है वो आपका अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है। अब इसका एक छोटा सा मैंने एक चार्ट बना दिया है आपको समझाने के लिए कि ASCII कोड क्या होता है और ASCII कोड को बाइनरी कोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपने कैपिटल ए टाइप किया, कैपिटल ए का ASCII कोड है 65, क्या है 65, ठीक है। आपका कंप्यूटर किसी भी डेटा को जब वो उसकी मेजरमेंट नापता है या उसको कोई हिसाब करना होता है तो वो किससे करता है, टू से। अगर मल्टीप्लाई करना हो तब भी टू से करेगा, अगर डिवाइड करना हो तब भी किससे करेगा, टू से करेगा, ठीक है। 65 जो है वो दो पर पूरा तकसीम कोड क्या होता है और ASCII कोड क्या होता है। आगे ASCII कोड का भी चार्ट बनाया हुआ है, बाइनरी कोड का भी चार्ट बनाया हुआ है, आप उसको समझ सकते हैं कि ये कैसे जो है वो हो रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ ये थोड़ा सा एक लंबा चक्कर है, ये बेसिकली क्वेश्चन हमारा चला जाता है प्रोग्रामिंग के अंदर कि जब आप ए को प्रेस करते हैं तो वो 65 बेसिकली प्रोसेसर जो होता है अमल किस पे होता है, प्रोसेस किस पे होता है। मैंने आपको कल एक चीज़ बताई थी माइक्रो प्रोसेसर, उस प्रोसेसर के अंदर यूनिट्स होते हैं, ठीक है ना। उसमें फिर आपका जो है वो चार यूनिट्स होते हैं, पांच बल्कि, मेमोरी यूनिट होता है MU होता है, इसके अलावा ALU होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, दूसरी चीज़ें होती हैं। फिर वो इसको प्रोसेस करते हैं, जब दोबारा ये आउटपुट की तरफ भेजने लगेंगे तब ये इसको दोबारा ह्यूमन लेवल लैंग्वेज में या ह्यूमन जो है वो जिस चीज़ को समझ सकते हैं उस ज़बान में इसको कन्वर्ट करके फिर आपको दिखाएगा। आपका कंप्यूटर सिर्फ इसको समझता है। कंप्यूटर अक्सर लोग होते हैं ना जो पूछ रहे होते हैं, यार कंप्यूटर आप पढ़ते हो, आप बताओ कौन सी ज़बान समझता है कंप्यूटर। और ज़्यादातर लोगों का सवाल होता है जी वो तो अमेरिकन लैंग्वेज समझता है, वो तो इंग्लिश समझता है, वो तो फिलानी समझता है, वो तो लैटिन समझता है। ऐसा नहीं है, मशीन की एक अलग लैंग्वेज है। दो किस्म की लैंग्वेजेज है ना, एक मशीन लैंग्वेज है, एक ह्यूमन लेवल लैंग्वेज है। इंसानी ज़बान जो हम बोलते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, बात करते हैं, चाहे वो इंग्लिश है, उर्दू है, सिंधी है, पंजाबी है, लातिनी है, यूनानी है, जो भी है, वो सारी ह्यूमन लेवल, उनको इंसान समझते हैं। लेकिन मशीन इंसानी ज़बान को डायरेक्टली नहीं समझती, उसके अंदर वो प्रोग्राम दिया जाता है कि आपने मशीनी ज़बान को इंसान की ज़बान को कैसे समझना है, ठीक है। मेरे ख्याल में आगे चलते हैं, इंशाल्लाह आगे क्लियर हो जाएगा, चलें आगे। बाइनरी कोड चार्ट, ये देखें, ए अगर आप स्मॉल ए लिखते हैं, मैंने कौन सा लिखा था, कौन सा कन्वर्ट किया था, कैपिटल ए, उसका क्या है ASCII कोड 65, ठीक है। मैंने कहा था ज़ीरो सबके शुरू में लगता है, तो शुरू शुरू में ज़ीरो लगा हुआ था, वो ये ज़ीरो लगाना पड़ता है क्योंकि एक बिट 10 इज इक्वल टू 1 बिट, और जो एक बाइनरी कोड बनता है वो 8 बिट्स का होता है। कितने बिट्स का होता है, 8 बिट, 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट। जब ये 8 बिट का एक कोड बनता है तो ये एक बाइट बन जाती है, क्या बन जाती है, बाइट बन जाती है। एंड 1 बाइट इज इनफ टू एक्सप्लेन अल्फा नुमेरिक करेक्टर, एक बाइट जो है वो आपको एक अल्फा नुमेरिक करेक्टर समझाने के लिए काफ़ी है। अल्फा नुमेरिक करेक्टर क्या है कि चाहे वो नंबर है या, अब यहाँ पे देखें ये सिर्फ ABC का है, ठीक है, कि आपकी शुमार कहाँ से शुरू होती है, 97 से 122 तक, और कैपिटल कहाँ से शुरू होती है, 65 से 90 तक। ये सिर्फ ASCII कोड दिए हुए हैं। कन्फर्मेशन करने के लिए देखें हमने यही कोड निकाला था, ठीक है, 01000001। ये मैंने आपको तरीकेकार भी बताया कि कैसे हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है, ये भी आपके पास आ जाएगा, चलो इसको बाद में समझेंगे बैठ के। सारे मल्टीप्लाई के जरिए, डिवाइड के जरिए। अब ये ASCII कोड्स का चार्ट आ रहा है, ठीक है, वो बाइनरी कोड्स थे, अब ये ASCII कोड्स हैं। देखें यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास आपके पास ये डेसिमल नंबर भी आएंगे, हेक्साडेसिमल आएंगे, और जो करेक्टर हैं वो सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी, ठीक है ना।
अब यहाँ पर आपके पास कुछ आ रहे हैं ना, हेडिंग को स्टार्ट करना है, स्टार्ट ऑफ टैक्स, ये इनके भी आपके पास नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है, वो आपके एस्की कोड्स आ रहे हैं। अब अगर मैं एक लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, एक लिखता हूँ, तो उसका कोड क्या है, 49, क्या है, एक अगर मैं टाइप करता हूँ तो उसका एस्की कोड क्या है, 49, ज़ीरो को क्या है, 48, 0 to 9, 57 तक, 0 से लेकर 9 तक जब आप टाइप करते हैं तो उनके जो है एस्की कोड हैं 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 and 57। अगर मैं कैपिटल ए लिखता हूँ तो देखें क्या आ रहा है, 65। अगर मैं स्मॉल ए लिखता हूँ तो क्या आ रहा है, 97। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि जितने सिंबल्स हैं उन तमाम सिंबल्स का बना हुआ है, ये क्वेश्चन मार्क है, क्या है ये क्वेश्चन मार्क का क्या है, 63। अच्छा, ग्रेटर देन का क्या है, 62, इक्वल का क्या है, 61, लेस देन का क्या है, 60। इस तरीके से कॉलन, सेमी कॉलन, जितने भी आपके ये ब्रैकेट अर्थमेटिक ऑपरेटर जो हैं आपके, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, उन सब के आपके पास यहाँ पर ये डेसिमल में नंबर्स एस्की कोड्स लिखे हुए हैं। टोटल जो है वो तकरीबन ये 256 जो है वो बनते हैं एस्की कोड्स आपके कीबोर्ड के अंदर जो मौजूद होते हैं, और आपका कंप्यूटर इन्हीं को लेकर उसका बाइनरी कोड बनाता है और उसको समझता है, फिर आपको उसका जवाब देता है। ठीक है जी, आगे समझ में।